What's up guys, good morning, welcome to my new vlog, Dimple Malan Vlogs। और आज सुबह सुबह हम छत पे वॉक कर रहे हैं और आज की मॉर्निंग मेरे प्लांट्स के नाम। कैसे रहूं, तुझसे पूछूं, ये बातें तू दिल की बताए ना क्यों? क्योंकि प्लांट्स में क्या हो रहा है कि पानी डल रहा है, बार बार पानी डल रहा है और गुदाई हो नहीं रही। तो आज मैं छत पे आई सुबह सुबह, तो मैंने सोचा कि चलो आज का दिन जो है वो पौधों के नाम। तो ये मेरे पास है गुदाई करने वाला, तो मैंने कहा इसके साथ आज इनकी सेवा की जाए। ये फालतू ऐसे आ रही है घास फूस, तो मैंने कहा आज सुबह सुबह चलो यही काम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा माली जो है वो आ ही नहीं रहा, तो आज मैं माली बन गई। चलो अच्छी बात है, जैसे इंसानों की सेवा होती है वैसे इन पौधों की भी सेवा करनी चाहिए। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। He did it। मैंने सारे पौधों की गुडाई कर दी, ये देखो पूरे। अब इनको सांस लेने जोगा कर दिया भाई, इनको सांस आएगी तभी तो हमें ये ऑक्सीजन देंगे। पर सच्ची बताऊं, वैसे ठंड लग रही थी लेकिन काम करते करते इतनी गर्मी लगी मैंने जैकेट उतार दी। और ये देखो खून निकल आया, बाजू छिल गई। तो मलन साहब आप बताओ, ये माली की जॉब पक्की है ना मेरी? पक्का, 45 मिनट लगे करने में लेकिन सारी होगी, वेरी गुड। अभी छत से आई गार्डनिंग करके, आते ही पहले मलन साहब का हुक्म चाय पिला दे। अब चाय पिला दी तो दूसरा हुक्म मेरे नेल्स काट दे। ये एक लिटिल बेबी जो अपने नेल्स भी नहीं काट सकते। नोनू अब्बू ने भी नहीं कभी बोला मेरे को कि नेल्स काट दो हमारे। पट्टा क्यों उतारा? मेरी महाराज जी। तो ये क्या है, मुंह में दर्द हो रही है क्या? अच्छा वो गांधी जी के तीन मंदिर, ठीक है फिर तो आंखों पे भी कानों पे भी हर जगह मुंह पे हाथ रखो अपना। आज मैंने इनको बाजरे की रोटी गार्लिक और चिल्ली डाल के खिलाई है और इनको पता भी नहीं चला, इसको बहुत टेस्टी लगी है। अच्छा बाजरे की रोटी थी? बाजरे की रोटी है ये। अच्छा चलो अब फिर नहीं खानी। टेस्टी है काफी। टाइल बनाने का कैजुअल नहीं है, काफी अच्छा है। Wow. मम्मी ने बेवकूफ बना दिया हमें। तो ऐसी चीज जो मैंने इससे पहले कभी खाई नहीं थी, कभी नहीं खाई। और अगर आप मेरे को सामने से बोलते ना कि ये ले खा ले ऐसे, हाँ। तो मैं शायद खाता भी नहीं। आपने मेरे को बोला ये चिल्ली गार्लिक नान है, मैं भी भाई खुशी खुशी खाई जा रहा हूँ। और मुझे पूछ रहा है ये दाल कब बनाई है, दाल इतनी टेस्टी है। मैंने कहा दाल तुम्हारे लिए अब भी बनाई है, अपने लिए तो मैंने साग बनाया हुआ था, पर मुझे पता था बाजरे की रोटी ये दाल के साथ ही खाएंगे। दाल इतनी टेस्टी है ना, मजा आ गया। पापा 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 पापा, अबे बेरा नहीं हूं मैं। अच्छा चलो चेक कर रहा था, तो मैं मम्मी के लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। क्या? मम्मी को पॉपकॉर्न पसंद है ना, कैरमेल वाले, तो मैं उनके लिए लेकर आया हूँ। पसंद आएगा उनको? मम्मी मम्मी मम्मा मम्मा मॉम मम्मी मम्मी, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ मैं। क्या? आंखें बंद करो। टन टना पॉपकॉर्न, वो मैं थोड़े से खोल के खा गया। कैरेमल। आपको कैरेमल पॉपकॉर्न बहुत पसंद है ना? तुझे पता है ना मेरे फेवरेट है। तो ये गौरमे वाले हैं, ये और ज्यादा टेस्टी है। ये तो मैं अभी खा जाऊंगी, इतने टेस्टी थे, थोड़े से मैं ऐसे ही खा गया। रहा नहीं जाए, रहा नहीं गया, जी लल चाहे रहा न जाए। है ना बहुत टेस्टी है ना? बहुत टेस्टी है। तू कहाँ से लाया है? तो मंगाए हैं आपके लिए स्पेशल। हाँ, मेरे स्पेशल लिए। अच्छा एक एक चीज और, ये क्या दाल क्यों लगा रखी है मुंह पे? अभी अभी खाई है ना मैंने। छोटे छोटे बच्चे नहीं होते जिनके लगे रह जाते हैं खाने? मम्मी हमारी वही है। तारीफ तो कर दो थोड़ी सी। बहुत टेस्टी है कैरेमल पॉपकॉर्न। अरे पॉपकॉर्न की नहीं तारीफ करने के लिए बोल रहा, मेरी तारीफ करने के लिए जो लेके आया गिफ्ट। अच्छा थैंक यू। ठीक है भाई, ठीक है। भाई इसको भी दिखाओ। ये वैसे ये डाइट पे है, इसको नहीं देने चाहिए।
आज से डाइटिंग पे। आज से ही अभी अभी सही अभी पराठे खाने के बाद से डाइटिंग पे। हाँ। मम्मी को बोला था कैसे हैं सब्जी अगला पराठे खिला रही है इसके सामने रख दोगे ये तो खत्म कर देगा 10 मिनट में तो बहुत टेस्टी है ये तो मैं ही खत्म कर दूंगी इसको क्या दूंगी उसके भी फेवरेट है ना कैरमेल अच्छे है ना चलो वेलकम यू वेलकम लेटर तो गाइस अब अभिषेक की एंट्री का टाइम है उसका नाम भी अभिषेक है और अब हम देखो असीम मोशाल चैन शो रहा है कभी सोचा था इसकी शादी होगी भाई मेरे को भी नहीं लग रहा था मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी कि होगी कभी बट अब 4 या तो क्या ही कह सकते हैं फिर भी हमने उससे पूछा कि क्या है तेरे ये शादी छोड़ के चलना है पर वो कह रहा बहुत खर्चा हो चुका है इस चीज़ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दूल्हा आ गया भाई फुल शर्मा रहा है कह रहा इतनी अटेंशन कभी नहीं मिली तो गाइस अब हम लोगों से बच पूछ के ऊपर आ गए हैं और अब हम सोच रहे हैं हमें क्या करना चाहिए तो अभिषेक मैं तेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अगर तेरे को मौका मिले ये 3-4 महीने वापसी जाने का अपनी सिंगलहुड लाइफ वापसी जीने का तो क्या जिएगा 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 शेर आज भी आज़ादी चाहता है देखो रात को 10 बजे कॉल करेंगे फिर भी मिलेगा जब हम कॉल करेंगे शेर हम बाहर जा रहे हैं कहीं खाने पीने तो चलेगा या फिर टीवी के साथ 1+1 में आएगा चलेगा अकेले आएगा अकेले जैसे आता ना वैसे आएंगे अकेले शेर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है अभी शेरनी को आने दो फिर सेम क्वेश्चन पूछेंगे मुबारक हो तेरे को भगवान करे तेरी शादी बहुत लंबी चले और बहुत अच्छी चले हमेशा चले मैं खूब तरक्की करूँ और जल्दी जल्दी तेरी शादी हो ये वाला भगवान ना करे तरक्की वाला कर सकता है बट मेरी शादी का ना करे तेरी शादी में नाचेंगे नोट मारने तेरी शादी में दपा दप दपा दप दपा आखिरी चीज मैं बोलना था मैं भूल गया हाँ बहुत जल्दी तेरे चिंटू मिंटू हो बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन हैप्पी मैरिड लाइफ भगवान करे तेरे को खुश रखे रख लेगा ना तो गाइज अब हम आ गए हैं खाने वाले काउंटर पे और हमने डिसाइड करा हम स्टार्ट करेंगे मटरी से क्योंकि वो हेल्दी होती है तो पहले हम सारा हेल्दी हेल्दी खाएंगे उसके बाद फिर सारा अनहेल्दी खाएंगे ठीक है भैया सारा सारा खाना ले आओ कुछ रह ना जाए डिसाइड करा था ये मेरा आखिरी दिन है खाना खाने का कल से मैं डाइट पे आ रहा हूं बिल्कुल ऐसा मैं जब जब शादी आएगी तब तक बोलूंगा पहला गोलगप्पा पूरी शादी का पहला हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं गोलगप्पे से तो बनता ही है ना इतना मलान क्या कर रहा है आराम से खा भाई भाई की शादी की इतनी जल्दी इतनी जल्दी है आई एम सॉरी गाइस मुझे खाना नहीं आता मैंने ना आज की शादी में कुछ रियलाइज करा है पूछो क्या मैंने रियलाइज करा देखो पेट तो उतना ही है तो जब तुम शादी पे आओ ना तो तुम्हारे को हिसाब से खाना चाहिए कि सब कुछ भी आ जाओ उस पेट के अंदर नहीं तो एक भी चीज ओवर ईटिंग हो गई ना तो तुम सब कुछ टेस्ट नहीं कर पाओगे करेक्ट बोला ना बिल्कुल बस अगली बार से शादी पे ध्यान रखना आज मैंने थोड़ा ओवर ईट कर लिया बट कल से तो मैं डाइटिंग पे हूँ मतलब मैं भूल गया तो अब हम पहले मीठा खाएंगे उसके बाद हम दाल मखनी रोटी खाएंगे बिल्कुल तो मीठे में हमारे पास है गजरेला जलेबी रबड़ी ब्राउनी ब्राउनी यार मैंने ना टूथपिक खा ली इतना भूखा हूँ मैं कि मैं टूथपिक खा गया आई लाइक इट अच्छी है बहुत अच्छी है टेस्ट करें और चीयर्स ब्राउनी चीयर्स थैंक यू पिज्जा पिज्जा चलो टेस्ट कराओ लाओ ना फिर आज हम पिज्जा खाएंगे पिज्जा खाने के बाद हम कुछ नहीं खाएंगे हमने डिसाइड कर लिया है ज्यादा हो रहा है बिल्कुल बहुत ज्यादा हो रहा है ना पक्का ज्यादा हो रहा है भाई पेट पेट भी कह रहा है माफी कर दो पर मन कर रहा है खा ही लेते हैं यार कल थोड़ी लगेगी शादी कल थोड़ी होगा बुफे इट्स हियर अब मैं आपको पिज्जा रिव्यू बताऊंगा इट्स यम्मी आपको भी खाना चाहिए अभी ये कह रहे हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है खाओ खाओ मैं तो बड़ा हेल्दी खाता हूँ मुझे मैदा वैदा नहीं चाहिए चलो आई डोंट ईट आप कहते हो तो खा लेते हूँ थोड़ा सा वैसे हम दोनों सिर्फ डाइटिंग फूड खाते हैं सब्जियाँ हेल्दी हेल्दी बट आज शादी है भाई की तो इतना एक्सक्यूज चलता है यार पनीर पिज्जा पिज्जा गाइस जैसा कि हमने आपको बताया हम खाते तो बहुत हेल्दी है तो अब हम एक ऐसी चीज़ बनवाने आए हैं जिससे ना जो भी हम खा रहे हैं वो अभी तक वो अंदर चला जाए बिल्कुल तो भैया क्या बना रहे हो एक लेयर अच्छा, अब मैं बनाऊंगा और फिर मैं उसके बाद खाऊंगा फिर खाएंगे इट्स माय टाइम नो नो स्ट्रॉ भैया ये बहुत खट्टी है भाई इसके बाद तो सब अंदर है इसके तो और खाएंगे तो गाइस अब मैं आपको मिलाता हूँ दूल्हे की बहन से दिया क्या हाल है हेलो मैं बढ़िया दिया ने मेरे से पूछा है कि मेरी लाइफ कैसी चल रही है दिया तेरे को क्या लगता है मेरी लाइफ कैसी चल रही है
बहुत मजेदार, बिल्कुल मजेदार नहीं चल रहा यार, तुझे नहीं पता जीवन में अभी हमारी सबसे बड़ी कठिनाई पता क्या है, हम दोनों की, हम दोनों के पेट में जगह नहीं बच रही और खाने को बहुत कुछ है, तो हमारी लाइफ अच्छी कैसे हो सकती है? मुझे ऐसा लग रहा है नींबू पानी काम कर रहा है, कर रहा है ना, अब शेर तैयार है। ये देखो शेर के दोस्त, हाय, ये शेर के दोस्त चले गए, बहुत पुराने दोस्त हैं, इनसे बातचीत नहीं होती, अब होएगी कभी तो होगी ना। ये शेर के असली दोस्त हैं, ये शेर की बहन है और मैं खुद शेर हूँ। इसके बाद हम क्या खाने जा रहे हैं? हम खाएंगे कुछ पापड़ी खाओ भाई, पता क्या सबसे पहले दूल्हा को खिलाने लग गए वो सुशी, मैं कहा सुशी खा रहे हैं ये शादी पे, शादी पे बहुत गंदी है, शादी पे सुशी कौन खाता भाई, ये फिर मैंने सोचा ये अमीरों की शादी है। फिर ठीक है, अमीरों की शादी पे सुशी चलती है। Yeah, it's cool. Guys, अब हम देखने वाले अगली शादी किसके होने वाली है, लाइन में लग गए सारे भाई, किसी के पे भी आया, तेरे पे तो नहीं आ रहा। ध्यान रखिए इस बात का, मेरे पे ढूंढना चाहिए, इतने सबका दुख देख के मेरे को खुशी हो रही है भाई की मुश्किल है। अरे गिरा 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 अरे ना बराबर क्या होता है, इतना ही गिरता है कोई, क्या पूरा थोड़ी गिरता है, ना बराबर थोड़ी सी गलती करा देंगे। नो नो इनमें सबकी शादी होगी मेरे अलावा, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था तुम्हारे भाई की शादी नहीं होगी। इश्क चचना